सुबह के 4 गुड ने बहुत प्रोटेस्ट किया, तभी जाके हमें कल बहुत प्रोटेस्ट किया 2-3 घंटे तब हमें मिला मुश्किल के बाद। सुबह तुम गए सुबह के 4 गुड मॉर्निंग। सो मैं अभी जा रहा हूँ मुस्तफ़ा भाई के रूम पे, उसको एयरपोर्ट छोड़ने जाना है, उसको आज फ्लाइट है लद्दाख के लिए, तो उसी को छोड़ने के लिए जाना है। और भी दोस्त हैं, सिकंदर भाई है, असगर अली भाई है, तीनों जाएगा, उसको छोड़ के वापस आना है। और अभी बारिश वगैरह भी आ रहा था थोड़ी देर पहले, और मैं सोया भी नहीं था क्योंकि लेट ही हो गया था, फिर सोया जाएगा तो देर से उठता तो उसको छोड़ने के लिए नहीं जा पाना था, तो फिर उसी की वजह से नहीं सोया था। बस अभी उसी के रूम पर पहुँचने वाला है, दिन हम निकल जाएंगे एयरपोर्ट के लिए। तो अभी मैं भाई के रूम पर पहुँच गया, भाई यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। मैंने उबर बुक किया भाई, एक्सेल वाला, ठीक है, एक्सेल वाला बुक किया, ठीक है ठीक है, जिसमें हम चार जने आराम से आ सके। तो 5-7 मिनट में पहुंचने वाले हैं, देन हम निकल जाएंगे। सामान वगैरह सब कुछ पैक किया है ना, पैक किया। तो जल्दी से तैयार हो जाओ। तो असगर अली भाई जल्दी उठो यार। सो गाड़ी आ चुका है, लगेज वगैरह भी हम रख रहे हैं अंदर, लगेज वगैरह सब कुछ लाया ऑलरेडी। अभी हम जस्ट निकल गया वजीराबाद से एयरपोर्ट के लिए। तो भाई का फ्लैट है टर्मिनल 2 से इधर हाँ, लेफ्ट इधर से सीधा आपको हाईवे पे मिलेगा। दिन में तो 2-3 घंटे में ही पहुँचते हैं यहाँ से एयरपोर्ट के लिए, अभी कोई 45-50 मिनट लगेगा पहुँचने के लिए, बाकी मिलते हैं एयरपोर्ट पे। और भाई मज़ा आ रहा है, तो बहुत आ रहा है भाई। सच में बस यार तुझे मज़ा आना चाहिए क्योंकि आज तुम्हारा लास्ट डे है दिल्ली में, तो पास गाड़ी तो नहीं है और मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, मेरे ट्रॉली पे तुम्हारे को घुमाएगा फुल दिल्ली टर्मिनल ये 2। और अभी मैं तुझे ठीक की तरफ भी ले जाता हूँ, और क्या कर सकते हैं, ठीक है ले लो यार, टेंशन मत करो यार। एक हाथ में व्लॉग कर रहा हूँ ना। तो अभी हम आया था टर्मिनल 3 पे वेट करने वाला मशीन है, तो भाई का लगेज बिल्कुल ज़्यादा ही था, तो हम टर्मिनल 3 पे आके वेट वगैरह किया। तो 25 kg हमने बनाया, स्टूडेंट बेसिस पे टिकट लिया था, 25 kg अलाउड था, इसीलिए अभी अपने को जाना है सीधा टर्मिनल 2 पे। फ्लाइट है टर्मिनल 2 से, हम टर्मिनल 3 पे वेट के लिए आया था, अगर ज़्यादा है तो पर kg 500 rupees चार्ज होते हैं ना, इसीलिए हमने एडजस्ट वगैरह किया। बाकी जो केबिन बैग में 2-3 kg और ज़्यादा हो के स्वेटर तो निकाल ही दिया, ये देख सकते हो। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से टर्मिनल 2 के लिए। टर्मिनल 2 और 3 ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये एक अंडर टर्मिनल हो के 5-6 मिनट का रास्ता है, लेकिन यहाँ पे सब हमें उल्लू बनाता है, ये टैक्सी वाले 2 किलोमीटर है 3 किलोमीटर है तुम आज हमें छोड़ देगा, हमें भी काफ़ी सारों ने बोला, लेकिन अपने को पता है क्योंकि अपन लोग दिल्ली में रह के 3 साल हो रहे, तो दिल्ली का मैं भी याद हो चुका है, तो ये टर्मिनल 2 और 3 तो क्या ही चीज़ है ना भाई। हाँ 5 मिनट का रास्ता है, लोग हमें उल्लू बना रहे इधर से, चलो तुम्हें आज ही छोड़ते, 3 किलोमीटर है बोल रहा था, एक ने तो इतना हाथ कर दिया 5 किलोमीटर है तुम जा ही नहीं पाओगे, 1.5 घंटा लगेगा बोल रहा था। हम चल के आया, वेट वगैरह किया, अभी हम टर्मिनल 2 की तरफ ही जा रहे हैं बस। तो वी आर गोइंग टू टर्मिनल 2 फ्रॉम टर्मिनल 3। अगर अली भाई जल्दी चलाओ यार, स्पीड चलाओ यार, क्या यार तुम यार, ये तो बगार नहीं मिलेगा तुमको इस महीने का, ठीक है। ओवरटेक करो, ओवरटेक जल्दी जल्दी ओवरटेक करो अगर अली भाई, ओवरटेक करो यार, जल्दी करो यार। हाँ यार जम मोहम्मद दे दो यार, तू भी गुली शिली मारता है यार इसमें भी, क्या करते हैं। और भाई ठीक हो, घर जा रहे तुम, मत जाओ यार, और 2-3 दिन बैठो यार। Our hearts beat to the city streets, we began... तो ये लो तुम्हारे लिए बोर्डिंग पास, हो गया ना खुश, ओके।
feel the fire. We rise like tall buildings. तो अभी हमने इसको छोड़ दिया भाजी, अंदर एंटर होते ही हम भी वापस चले जाएंगे यहाँ से केब वगैरह करके देखते हैं वापस क्या सब लाइन तुम्हारा इन्हीं के पीछे पीछे जाओ, उधर से जो बोर्डिंग पास दिया ना हाथ में उसी को दे दो, बस एंटर हो जाएगा ठीक है। ओके बाय बाय। ऑलराइट अभी हम इधर से वापस जा रहे हैं। सो हम पहले यहाँ से मेट्रो पे जाएगा, टर्मिनल 3 के साथ में ही ये मेट्रो। सो उधर से मेट्रो पकड़ के सीधा जामा मस्जिद नाश्ते के लिए जाएगा। भाई लोग सब नाश्ते का टाइम भी हो गया और अभी मेट्रो वगैरह मिलेगा क्योंकि अभी टाइम बज रहा है 7-6 बजे से शुरू होता है मेट्रो चलना। तो सीधा जाके मेट्रो पकड़ते हैं। ये देख सकते हो 4-5 मिनट रह गया बस मेट्रो पहुंचने के लिए। यहाँ पे लिखा भी है दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट स्टेशन 2024 का फर्स्ट बारिश। हाई 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 मज़ा आ रहा है वो भी जामा मस्जिद में। हाई 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 बिल्कुल भीग गया मैं तो। वो दोनों पता नहीं लाल किला पे उतर गया पता नहीं यार। मेट्रो ये कह रहा था कि नेक्स्ट स्टेशन जामा मस्जिद कह रहा था लाल किले की जगह पर, तो पागल लोग उधर ही उतर गया सिकंदर और। तो मैं तो बाहर आ गया, बहुत बारिश हो रही है देख सकते हो, लेकिन मज़ा आ रहा है यार ये मौसम। हाई 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 जितना बारिश ज़्यादा होगा उतना मौसम क्लियर होगा। सो अभी ब्रेकफास्ट के लिए जाना है, तब तक मैं होटल में जाके ऑर्डर वगैरह करता हूँ, वो लोग तब तक आ ही जाएगा। तो ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। सो अभी मैं चलता हूँ होटल की तरफ। जामा मस्जिद के लिए लाल किला कौन उतरता है? ये दोनों रोटी दो दे दो और उधर दे दो उधर। तो यार जल्दी करो यार, जो भी लेना है जल्दी ले लो, सबा क्या सब खुश। तो फिर आया क्यों था? लाया तो तूने था, ठंडे मार्केट जाना है बोल के। ये देखो सब कुछ बर्बाद किया। आज ही कप धो के लाया था यार जूता वगैरह। हाय गाइस ये देखो ये रहे कुछ चोर बाजार की व्यू, ये देख सकते हो 5 मिनट बारिश क्या हुआ बिल्कुल भीग गया सारे चीज़ें। सोया अभी मैं जामा मस्जिद आ चुका हूँ। भाई लोग तो गुम हो गया, पता नहीं मार्केट में था काफ़ी टाइम से, साथ में सब घूम रहा था तो हमने कुछ ज़्यादा कुछ काम भी नहीं था, वो लोग सामान वगैरह ढूंढ रहा था। तो मैं जामा मस्जिद आके रेस्ट कर रहा हूँ और जामा मस्जिद भी बिल्कुल गीला हो रखा है ये देख सकते हो आप लोग। तो अभी थोड़ी देर वेट वगैरह करते हैं, वो लोग आएगा। फ़ोन वगैरह किया था एक का, तो फ़ोन भी मेरे पास ही है और मेरा फ़ोन में चार्ज भी ख़त्म हो गया, तो मेरा लाइटनिंग था ये सी टाइप था तो इसी से कनेक्ट करके चार्ज भी कर रहा हूँ। असगर अली को फ़ोन किया था, पता नहीं उठाया भी नहीं, पता नहीं वो लोग कब तक आएगा। टाइम तो यही पे 12 बज गया, अभी अपने को और एक भी जगह जाना था, टाइम हो जाएगा तो चला जाएंगे। ऑल राइट अभी हम पहुँच गए वेस्ट दिल्ली टैगोर गार्डन, इधर से इसको सामान वगैरह परचेज करने के लिए जाना है। तो बाइक का और से आज हम परचेज करके फिर से भेज देगा। तो संग को मैं इसका दुकान खुला है और एक बंदा बैठा है, जितने भी संग को मैं विजिट करो 10% हो अपना नाम ले लो, सब्सक्राइब करो, हमारा भी फायदा करो, खुद का भी फायदा करो। हाँ बराबर 10% हो बराबर, लेकिन सब्सक्राइब बस और क्या चाहिए बस, ये हुई ना बात। राइट अभी हम जस्ट निकल गया यहाँ से टैगोर गार्डन से, यहाँ से वज़ीराबाद के लिए हमने कैब करा और यहाँ से कोई 19 किलोमीटर है, 40 मिनट दिखा रहे हैं, बाकी ट्रैफिक वगैरह नहीं मिले तो जल्दी पहुँच जाएंगे वज़ीराबाद। और ये रही टैगोर गार्डन की मस्जिद। यहाँ पे CNG भरने के लिए गाड़ी रोका गया है और CNG भरते वक्त गाड़ी में नहीं बैठना पड़ता है, जैसे कि पेट्रोल वगैरह भरते वक्त हम गाड़ी में बैठ सकते हैं ना, लेकिन CNG रिफिल करते वक्त गाड़ी में नहीं बैठना होता है। तो हम बाहर आके वेट भी कर रहे हैं CNG भरने का। ये रहा CNG पंप। अरे यार जल्दी बैठो, निकलना है अपने को, CNG हो गया इसमें, CNG फुल हो गया, तो बैठते हैं फिर से निकलते हैं। ऑल राइट अभी हम वज़ीराबाद पहुंचने वाले हैं, बस वज़ीराबाद के ब्रिज पे पहुंच गए देख सकते हो ये वाले ब्रिज पे, और यहाँ से तो बस 4-5 मिनट का रास्ता है ही। तो भाई तू तो गया था लता, क्या हो गया?
सुना कि तुम्हारे साथ मोहिम हो गया जबरदस्त वाला, जबरदस्त हो गया, जो जो हो गया थोड़ा हमें भी दिखाएगी क्या हो गया। फ्लेट लटके चल हो गया, हमने प्रोटेस्ट किया एयरपोर्ट पे, तो उसका कुछ उसका पुख्ता सबूत, पुख्ता सबूत दे देखिए लोग इंडिगो को शमशान बन गए, दो तीन बार कैंसिल किया ना इसलिए। मैंने बहुत प्रोटेस्ट किया तभी जाके हमें कल का फ्लाइट मिल पाया, वरना इंडिगो वाले बोल रहा था कि 7-8 तारीख को दे रहे फ्लाइट, वो भी अभी भरोसा नहीं था। तो हमने बहुत प्रोटेस्ट किया 2-3 घंटे तब हमें मिला कल का फ्लाइट, बड़ी मुश्किल के बाद। सुबह तुम गया था कोई 4 बजे और फ्लाइट था कोई 9-10 बजे, तो उधर कितने बजे तक बैठना पड़ा? उधर कम से कम 6-7 घंटे बैठना पड़ा, दिन भर बैठना पड़ा, दिन भर न खाना न पीना। हाँ, बस खाना वाना कुछ भी प्रोटेस्ट करते बैठा नहीं करा। हाँ, ऑफर तो क्या टिफिन था, टिफिन सर्विस था। अच्छा, जब फ्लाइट वो कर दिया ना कैंसिल, कैंसिल नहीं डिले कर दिया, तब टिफिन सर्विस प्रोवाइड किया था। तो पहले भी कैंसिल कर रहा था ना, पहले 31 को था ना तुम्हारा फ्लाइट? हाँ, पहले 31 को था, इसके बाद 4 को कर दिया, अब 4 को भी कैंसिल करके 5 को कर दिया। पता नहीं अभी कल क्या होगा, देखा जाएगा कल। लेकिन ये वाला वीडियो थोड़ा लेट आएगा, उसके लिए सो सॉरी, क्योंकि इससे पहले भी एक व्लॉग है, तो जल्दी जल्दी देता हूँ, नहीं तो मैं एक दिन गैप करके देता था। ये कंटिन्यू देगा कल व्लॉग के बाद ही ये वाला व्लॉग। ओके।